आज शहीद दिवस है। आज से 90 साल पहले यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। उनकी शहादत को देश हमेशा नमन करता है। भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि भारत के इन महान सपूतों को ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर जेल में फांसी पर लटकाया था। इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने इन तीनों को तय तारीख से पहले ही फांसी दे दी थी। तीनों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी। ऐसे में फांसी दिए जाने की खबर से देश भर में लोग भड़के हुए थे। फांसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी चल रहे थे और अंग्रेज सरकार इसी बात से डर गई थी। इसलिए बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजों ने गुपचुप तरीके से एक दिन पहले ही तीनों वीरों को फांसी पर लटका दिया। पूरी फांसी की प्रक्रिया को गुप्त रखा गया था। दरअसल ये पूरी घटना भारतीय क्रांतिकारियों की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोधी घटना की वजह से हुई। 8 अप्रैल 1929 के दिन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई, तभी भगत सिंह ने बम फेंका। इस घटना के बाद ही क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का दौर चला। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिली। चलिए अब आपको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में जरा संक्षेप में बताते हैं। सिख परिवार में पंजाब के लायलपुर में 28 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह भारतीय इतिहास के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। उनके पिता गदर पार्टी नामक संगठन के सदस्य थे, जो भारत की आजादी के लिए काम करती थी। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और जय गोपाल के साथ मिलकर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शहीद भगत सिंह का साहसिक कार्य आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। वर्ष 1929 में भगत सिंह ने 8 अप्रैल को अपने साथियों के साथ सेंट्रल असेंबली में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंक दिया था। उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में शाम 7:33 पे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उनके शरीर का दाह संस्कार सतलज नदी के किनारे हुआ था। वर्तमान में हुसैनवाला, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, वहां राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़े शहीदी मेले का आयोजन उनके जन्म स्थान फिरोजपुर में किया जाता है। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 में पुणे के पास खेड़ नामक गांव में हुआ था। मात्र 6 साल की अवस्था में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता के निधन के बाद ये वाराणसी पढ़ाई करने एवं संस्कृत सीखने आ गए थे। बचपन से ही राजगुरु के अंदर जंगे आजादी में शामिल होने की ललक थी। वाराणसी में विद्याधन करते हुए राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। वो चंद्रशेखर आजाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल जुड़ गए। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। इनका और उनके साथियों का मुख्य मकसद ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना था। साथ ही वो घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते थे और जंगे आजादी के लिए जागरूकता अभियान चलाते थे। राजगुरु क्रांतिकारी तरीके से हथियारों के बल पर आजादी हासिल करना चाहते थे। उनके कई विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। 19 दिसंबर 1928 को राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी सैंडर्स की हत्या की थी। असल में ये वारदात लाला लाजपत राय की मौत का बदला थी, जिनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त हुई थी। सुखदेव का जन्म गांव गोपरा, लुधियाना, पंजाब के एक मध्यवर्गीय सिख परिवार में हुआ था। जब सुखदेव 3 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी माँ और ताऊ अचिंत राम ने किया था। उनके ताऊ आर्य समाज से काफी प्रभावित थे, जिसके कारण सुखदेव भी समाज सेवा व देशभक्तिपूर्ण कार्यों में आगे बढ़ने लगे। कॉलेज से आने के बाद वह शाम को अस्पृश्य यानी अशुद्ध कहे जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। सितंबर 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला के खंडहर में उत्तर भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई। इसमें एक केंद्रीय समिति का निर्माण हुआ और समिति का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा गया। सुखदेव को पंजाब की समिति का उत्तरदायित्व दिया गया। साइमन कमीशन का भारत आने पर हर जगह तीव्र विरोध किया जा रहा था। पंजाब में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। 30 अक्टूबर को लाहौर में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व करते समय डिप्यूटी सुपरटेंडेंट स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने लोगों पर लाठीचार्ज की, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया, जिसके चलते सुखदेव और भगत सिंह ने एक शोक सभा में ब्रिटिश साम्राज्य से बदला लेने का निश्चय किया।
लाला लाजपत राय की मृत्यु के एक महीने बाद सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई, परंतु उन्होंने गलती से सैंडर्स को मार दिया। 30 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।